Yes, I have. I certify that they have been tested and they are negative. Okay, that's very important. So, representative of this from medical department, hello? Somebody has to do it. Or his representative, SDM, who is responsible under a particular BMO concerned or his representative to impose penalty, which will be done by SDM. Pehli baat baithi hai, parishaniya hoti hai, and mostly when they don't have vaccination. देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो यहाँ पे बर्फबारी हुई है पूरी कश्मीर वादी में, ये काफ़ी अच्छा शगुन है। ये काफ़ी दिनों से हम वेट कर रहे थे और इससे गुलमर्ग में ख़ास तौर से स्कीइंग के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो एक बज़ क्रिएट हो गई है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से टूरिज़्म जो अभी फ्लोरिश पूरे कश्मीर में कर रहा है और ख़ास तौर से यहाँ गुलमर्ग में भी, तो स्कीइंग के हवाले से अभी एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़नी शुरू हो गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मीटिंग में हमने स्टेक होल्डर्स के साथ मिल करके कुछ अहम फैसले किए हैं, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर के, कि जो भी यहाँ पे स्कीइंग के लिए लोग आ जाएंगे उनके लिए सख्त से सख्त हिदायत ये होगी कि वो कोविड प्रोटोकॉल्स का जो है उनको पालन करना होगा, जिसमें ख़ास तौर से जो है टेस्टिंग के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से और जो रैंडम सैम्पलिंग या रैंडम टेस्टिंग जो होती है उसके हवाले से हमने मेडिकल डिपार्टमेंट को भी कुछ डायरेक्शंस दी है, ताकि जहां हम स्कीइंग और बाकी टूरिस्ट एक्टिविटी यहां प्रमोट कर रहे हैं वहीं कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पालन होना चाहिए, ताकि हम खुद भी सेफ़ रहें, टूरिस्ट्स को भी सेफ़ रखें और जो स्कीयर्स यहाँ आ रहे हैं उनको भी सेफ़ रखें। मुझे उम्मीद है कि इसमें सारे लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि इस एक्टिविटी को हम स्मूथ तरीके पर आगे बढ़ाएं।